मेरा नाम जितेंद्र है, मैं तराई इलाके का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ सब नाली नर्दहा सब एकदम ढला हुआ है, एकदम बेकार पड़ा हुआ है। और जो हमारे यहाँ के शरद अवस्थी जी विधायक हैं मौजूदा में, वो यहाँ पर लौट करके इलेक्शन के बाद आए ही नहीं। और जो भी हम देखते हैं, जो कहते हैं, वो हमारी कोई कार्रवाई सुनाई नहीं जाती है। सब हमारे यहाँ चौपटी है। अगर ये बीजेपी से ये खड़े होंगे, इनको टिकट मिलेगा, तो हम बीजेपी के परम भक्त हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे अगर इनको टिकट दिया जाएगा। अगर कोई और यहाँ से आएगा तो हम जय श्री राम कह के हम अपनी बीजेपी को ही जिताएंगे अपने ब्लॉक से। अपना गली में वो आता है, स्कूल के पीछे वो आता है, हम करने का रास्ता ही नहीं। अच्छा है? बहुत दिन से परेशानी चलती है, बाढ़ आती तब भी आती है ये, शायद बाढ़ तो आवा तब तो आता है ये। अच्छा तो कोई नेता तो आते हैं कि नहीं आते? कोई हमारे सामने कोई नहीं आता, आवत है प्रधान को आवत है, वही प्रधान को आवत, हमारे लगे कोई नहीं आवत। आपके पास कोई नहीं आता? हमारे बीच घर है, स्कूल के लगे है। अच्छा अच्छा, कौन सा ये गाँव है? ये माधोपुर है। माधोपुर समस्या है गांव में, कुछ समस्या है? वो डांट दिया का बताए, अब तुम लोग उधर नहीं जा सकते तो बड़े बूढ़े तुम सबाओ बराबर बताए पर डराओ, उधर डराओ गाय खड़ी डराओ मैदान में। मेरा नाम राम प्रकाश वर्मा है, मैं रामनगर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अगर बीजेपी से शरद अवस्थी जी को विधायकी का जो है टिकट दिया जाता है, मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीत नहीं पाएंगे। इनसे जनता बहुत भारी मात्रा में रूठी हुई है, और मैं किसी और को वोट देने के लिए चुनूंगा। खेती करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, विधायक जी कभी हमारे गांव को आते नहीं हैं, और इनको टिकट दिया जाता है तो मैं कभी। कैसे दिक्कत हो रही है आपको खेती करने में? जैसे खाद लेनी है तो कभी हमारे क्षेत्र में दुकानों पर सोसाइटी पर समय से मिल नहीं पा रहा है। तो विधायक जी से बोलने नहीं गए आप क्या? विधायक जी हमारे गांव में कभी आते ही नहीं हैं, जब मिलने को जाते हैं तो समय देते हैं अगला कि फला दिन मिलना, वहां पर मिलते ही नहीं हैं।